जयजयपुर विधायक केशव प्रसाद चंद्रा के नेतृत्व में क्षेत्र की 25 सूत्री मांगों को लेकर निकाली गई सत्याग्रह पदयात्रा मंगलवार को जांजगीर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां 10,000 क्षेत्रवासियों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा गया। इससे पहले जब पदयात्रा कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर पहुंची तो पुलिस ने सैकड़ों पदयात्रियों को गेट के बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद 5 सदस्यीय बच्चों के प्रतिनिधिमंडल ने चैम्बर में जाकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं के खर्चे पे गांधी जी के विचारधारा को जन जन तक बताने के लिए पहुंचा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि पुनः एक बार गांधी जी का हत्या जिला जांजगीर चांपा के कलेक्टर ने किया है, प्रशासन ने किया है। जांजगीर के आज की यह घटनाक्रम यह सिद्ध करता है कि आप सत्य अहिंसा के मार्ग में गांधी जी के विचारधारा में अगर आप चलेंगे तो आपका शोषण होगा, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होगा, आपको दबा दिया जाएगा, आपको कहीं न्याय नहीं मिलेगा। विधायक जयजयपुर अपने क्षेत्र में 3 दिन तक भ्रमण करके विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन तैयार कर आज उन्होंने दिया है महामहिम राज्यपाल।